हेलो दोस्तों, मैं किरण गोजले पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जो एक स्पोर्ट और फिटनेस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, पिछले कई एक दो तीन वीडियो में मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में मैंने मराठी यूज़ की थी, जिसमें एक्सरसाइज बताते समय कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ रही, इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज चुन ली जो कि इंडिया की मातृभाषा है और बहुत से लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी हम भर्ती करने वाले जो सभी हमारे दोस्त हैं वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दोस्तों, आपकी सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 सेंटीमीटर वर्कआउट। तो दोस्तों, 1600 मीटर रनिंग करने के लिए हमें स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी आपका बहुत अच्छा टाइमिंग टूटेगा दोस्तों। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो, तब आपकी रनिंग करते समय जब आपके पैर भर जाते हैं, जबकि आपकी थाई भर जाती है, तब दोस्तों आपकी लेग की स्ट्रेंथ कम बढ़ जाती है। इसलिए हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करोगे तब आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, इसलिए हमें यही स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्सरसाइज हमें दोस्तों हफ्ते में 2 बार करना है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, हमें पूरा वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद ही हमें एक्सरसाइज करनी है, और मैंने वार्म अप एक्सरसाइज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो गाइस, देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों, यह एक्सरसाइज करने के लिए हमें हमारे घुटनों के ऊपर तक की हाइट की जगह देखनी है और उस पर हम सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते समय हमें हमारा एक पैर ऊपर रखना है और हमारा दूसरा जो लेग का नी है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, और फिर नीचे जाकर हमें दूसरे लेग की सेम एक्सरसाइज करनी है। ऐसे हमें दोस्तों एक लेग की 10-12 ऐसे हमें दोनों लेग की रेपिटेशन लगानी है, और इस एक्सरसाइज के हमें 2 सेट करने हैं। 1 सेट के बीच हम 5-6 सेकंड की रिकॉर्ड ले सकते हैं, और जो नए बंदे हैं वो 5-6 रेपिटेशन लगाएंगे, और जो रेगुलर है वो 10-12 रेपिटेशन लगा सकते हैं। दोस्तों, एक एक्सरसाइज करने के बाद आपकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके मसल्स बिल्कुल नहीं थके और आपकी थाई तो बिल्कुल नहीं भरेगी। सेकंड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करने के लिए हम किसी भी पेड़ या दीवार का सहारा ले सकते हैं। हमें दोनों हाथों को पेड़ को पकड़ना है और हमें हाई नहीं करनी है, हमें हमारा जो नी है उसको ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है। इस एक्सरसाइज के हम 30 सेकंड के 3 सेट लगाएंगे, और 1 सेट के बीच हम एक मिनट के रिकवर ले सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज करते समय हमें ऊपर की तरफ जंप लगाना है और हमें 1 सेकंड होल्ड रखना है, इसको हम जंप एंड स्क्वाट बोल सकते हैं। इससे आपकी दोस्तों लेग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस एक्सरसाइज के हम 10 रेपिटेशन के 2 सेट लगाएंगे, और 1 सेट के बीच हम 40 सेकंड रिकवर ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें हमारे जो हाथ है उसके बीच दोनों पैरों को जंप लगानी है, और बाद में पीछे हम इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड के 3 सेट लगा सकते हैं, और 1 सेट के बीच दोस्तों हमें 1 मिनट की रिकवर लेनी है। और ये सभी एक्सरसाइज आप दोस्तों परफेक्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों, एक्सरसाइज करने के लिए हमें हमारा दूसरा लेग पीछे की तरफ रखना है और 1 लेग की स्क्वाट लगानी है, इसके हम 1 लेग की 7 या 8 रेपिटेशन लगा सकते हैं। इसके हम 2 सेट करेंगे, और 1 सेट के बीच हम 50 सेकंड रिकवर लेंगे। दोस्तों, इस सभी एक्सरसाइज आप परफेक्ट कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके मसल भी नहीं थकेंगे। तो दोस्तों, ये सभी एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोज़ हर 1-2-3 दिन के बाद डालता रहूँगा, और आप ये सभी वीडियोस शुरू से लेकर लास्ट तक आप परफेक्ट वीडियो देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।